हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ पोएम समबॉडीज मदर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वूमेन वेटिंग एट द क्रॉसिंग। उस वूमेन को डिस्क्राइब करो जो क्रॉसिंग पर वेट कर रही है। द वूमेन वॉज ओल्ड, जो वूमेन है वो बूढ़ी थी। ग्रे एंड इन अ स्टेट ऑफ नेगलेक्ट, मतलब उसके बाल वाइट हो चुके हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हर फीट वर स्लो एंड शी लुक्ड मीक एंड अफ्रेड To make a move amid the crowd of people who were passing her by, मतलब वो बड़ी बहुत ज़्यादा डर रही है आगे बढ़ते हुए और उन लोगों की तरफ देख रही है जो उसके पास से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रीट, स्ट्रीट को डिस्क्राइब करो। द स्ट्रीट वॉज वेट एंड स्लिपी, जो सड़क है वो गीली है और फिसलन भरी है। विद द स्नो विच हैड फॉलन रिसेंटली, क्योंकि वहाँ पर अभी अभी बर्फ जो है, पहले बर्फ गिरी है, इस वजह से सारी रोड जो है वो गीली हो रही है। हाउ डिड द बॉयज़ कम आउट ऑफ द स्कूल, जो बॉयज़ थे वो बच्चे स्कूल से कैसे बाहर आए। द बॉयज़ केम आउट ऑफ द स्कूल हैप्पीली लाफिंग एंड शाउटिंग, खुशी से हंसते हुए और चिल्लाते हुए। दे वर इन्जॉइंग देयर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम को इन्जॉय कर रहे थे। फोर्थ, वट कंपेरिजन डज द पोइट ड्रो बिटवीन हर एंड द स्नो, जो पोइट है उसने क्या कंपेरिजन किया उस लेडी में और स्नो में। द वूमेन वॉज कोल्ड एंड वेट लाइक द स्नो, जो वूमेन थी वो ठंडी हो रही थी और गीली थी बर्फ की तरह। जैसे बर्फ गीली और ठंडी होते हैं, इसी तरह स्नो से वुमेन का कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि वो डर की वजह से ठंडी पड़ रही थी। आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वट कैन यू से अबाउट द फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द पोइट। भी आप क्या मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हो वुमेन की फिजिकल और इमोशनल कंडीशन के बारे में। द वर्ड्स ऑफ द पोइट शो हाउ पैथेटिक द वुमेन्स कंडीशन, वो जो वुमेन की जो कंडीशन है वो कितनी पैथेटिक, मतलब कि दयालु है, काइंडनेस है। शी वॉज बोथ फिजिकली एंड इमोशनली वीक एंड हेल्पलेस, वो फिजिकली भी वीक है और इमोशनली भी वीक है। हर अपियरेंस शोड हाउ केयर वोन अनकेयर्ड फॉर एंड नेगलेक्टेड शी वॉज, मतलब कि वो उसकी अपियरेंस ये दिखा रही है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई उसकी केयर नहीं कर रहा और कोई भी हर कोई उसे नेगलेक्ट कर रहा है। अवर सेकेंड क्वेश्चन, वाई वर द बॉयज सो मैरी, जो बच्चे थे वो इतने खुश क्यों थे। द बॉयज वर जुबिलेंट एंथुसियास्टिक मूड, मतलब कि जो बॉयज थे वो खुश थे, एंथुसियास्टिक बड़े उत्साहित थे। एंड दे वर लाफिंग एंड शाउटिंग, और वो चिल्ला रहे थे खुशी में। दे वर सो मैरी बिकॉज दे हैड जस्ट बीन लेट ऑफ फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि उनकी अभी स्कूल से छुट्टी हुई थी। एंड दे वर इन्जॉइंग द फ्रीडम, और वो फ्रीडम को इन्जॉय कर रहे थे। वाई वॉज द वूमेन अफ्रेड टू स्टीर, जो वूमेन थी वो आगे बढ़ने में क्यों डर रही थी। द वुमेन वॉज अफ्रेड टू स्टीर बिकॉज शी फियर दैट द कैरिज व्हील्स ऑन हर ओन, कैरिज व्हील्स मतलब जो गाड़ियाँ हैं, और द हॉर्सेज फीट, जो मतलब कि वहाँ से टोंगास जा रहे हैं तो हॉर्सेज के फीट जो हैं, मे क्रश हर इन द स्लिपरी स्ट्रीट, भी वो उसको कुचल सकते हैं फिसलने वाली स्ट्रीट में, इसलिए वुमेन डर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द पासिस बाय वर सो अनकेयरिंग ऑफ द वुमेन एंड पेड नो हीड टू द फैक्ट दैट शी वॉज नीडेड हेल्प, मतलब जो उसके आस पास के लोग थे वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे। द वुमेन डिड नॉट रिसीव एनी हेल्प फ्रॉम द पासर्स बाय, वुमेन को जो आस पास के लोगों से कोई हेल्प नहीं मिली। दे टुक नो नोटिस ऑफ हर आइज, किसी ने उसकी आंखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। विच वर फुल ऑफ एन एग्जाइटी एंड और डेस्पेरेशन, निराशा, जो मतलब बहुत चिंता और निराशा से भरी हुई थी। दीज पीपल वर नॉट कैल्शियस और हार्टलेस, ये पीपल जो थे ये नहीं था कि ये दयालु नहीं थे। दे डिड नॉट विलिंगली इग्नोर, ना उन्होंने जानबूझ के उन्हें इग्नोर किया। द ओल्ड वुमेन हु वॉज म्यूटली आस्किंग फॉर हर फॉर देयर असिस्टेंस, जो औरत थी मतलब लेडी थी वो चुपचाप खड़ी थी, सिर्फ अपनी आंखों से लोगों को हेल्प के लिए कह रही थी। दे इग्नोर्ड हर बिकॉज दे वर टू एनग्रोस्ड इन देयर ओन वर्क, वे उन्होंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि हर कोई अपने ही काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। themselves to extend her a helping hand, they focused on themselves and their own work, वे अपने काम को ध्यान देते and had neither the time nor the inclination to pay any attention to this lady, ना उनके पास इतना टाइम था भी अलग से अटेंशन दे। who was on the lookout for someone to help
हर क्रॉस द स्ट्रीट, जो ये सोच रही थी भी कोई ना कोई आए और उसकी हेल्प करें। डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द बॉयज़ हेल्प द वुमेन, कैसे वुमेन बॉय ने वुमेन की हेल्प की। द बॉय वेंट टू हर, लड़का उनके पास गया। एंड विस्पर्ड दैट ही वुड हेल्प हर टू क्रॉस इफ शी विश टू डू सो, बच्चा उसे जाकर कहते हैं कि वो उनकी हेल्प करेगा क्रॉस करने में यदि वो चाहती हैं। द ओल्ड लेडी प्लेस्ड हर हैंड ओन ही स्ट्रॉन्ग आर्म, उन्होंने उस लेडी ने अपना जो हाथ है उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म पे रखा। एंड ही हेल्प्ड हर टू क्रॉस विद हिज ओन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग फीट, और उसने बच्चे ने मतलब उसकी हेल्प की सड़क को क्रॉस करने में। देन ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड, और फिर वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। हैप्पी विद हिज डीड, और अपना काम में लग गया। द बॉय वॉज हैप्पी दैट ही हैड हेल्प्ड समबॉडीज मदर टू क्रॉस द स्ट्रीट सेफली, उन्हें मतलब लड़के को बहुत खुशी हो रही थी उसने किसी की मदर की हेल्प की है सड़क को क्रॉस करने में। एंड वॉज कॉन्टेंट, और उसे ये बड़ी संभावना थी दैट ही हैड डन अ काइंड डीड, कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। टू गाइड हर विद हिज स्ट्रेंथ, कि उसने अपनी शक्ति से मतलब कि ताकत से किसी की हेल्प की है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट द लेडी वॉज समबॉडीज मदर, वो अपने फ्रेंड्स को कहता है जो भी लेडी है वो भी तो किसी की मदर है। दो शी वॉज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, तभी चाहे वो मतलब कि चाहे वो उनकी उम्र ज़्यादा है बेचारी है और धीरे चल पाते। ही होप दैट समडे इफ हिज मदर शुड बी इन द सेम स्टेट एंड ही फार अवे सम पर्सन वुड लैंड हर अ हेल्पिंग हैंड, और वो कहते हैं कि हो सकता है कभी ना कभी वो भी बाहर हो और उसकी मदर उसी सिचुएशन में हो, तब कोई ना कोई उसकी मदर की भी ऐसे ही हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द पोइम इज एप्ट, क्या आप सोचते हो भी टाइटल जो पोइम का है वो सही है। आई थिंक द टाइटल ऑफ द पोइम इज एप्रोप्रिएट, मतलब कि बिल्कुल राइट है। नीदर द बॉय नोर द ओल्ड वुमेन नो ईच अदर, ना तो लड़का किसी को जानता ना वुमेन जानती आपस में एक दूसरे को। टू द वुमेन द चीयरफुल लैड वॉज जस्ट समवंस बॉय, उनके लिए जो खुशहाल लड़का है वो सिर्फ किसी का लड़का है। एंड टू हिम शी वॉज समबॉडीज मदर, और उसके लिए वो किसी की मदर है। ही हेल्प्ड हर बिकॉज ही होप्ड समडे समबॉडी वुड एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू हिज मदर, वो इसलिए हेल्प कर रहा है कि किसी दिन कोई ना कोई उसकी मदर के लिए भी हेल्प का हाथ उठाएगा। इफ़ एवर शी नीडिड इट, जब उन्हें ज़रूरत होगी। एंड ही एंड वो सोचते कि जब वो कभी वो बाहर होगा। एंड ही यहाँ पे इफ़ शी नीडिड इट एंड ही विल बी ही, जब उसका ही होप दैट ही वॉज फार अवे, जब वो कहीं बाहर होगा। द वूमेन पे प्रेज फॉर द बॉय, वूमेन जो है लड़के के लिए प्रार्थना करती है। एंड कॉल्स अपन अपॉन द एलमाइटली टू द ब्लेस द बॉयज हु इज स्ट्रॉन्ग हु इज समवन सन, जो किसी ना किसी का बेटा है। बेटा यहाँ पे समवन है, हु इज समवन सन भी उस बच्चे के लिए हेल्प वो करती है, प्रेयर करती है, जो किसी ना किसी का लड़का है। टू कम्प्लीट स्ट्रेंजर्स, दोनों ही एक दूसरे से ऐसे अनजान हैं, येट बाउंड बाई एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट एक्सपेक्ट्स नो रिटर्न, जो एक दूसरे की दया से हेल्प कर रहे हैं, मतलब उसने उसके लिए प्रेयर की और उसने उसकी दया से हेल्प की, जो दैट एक्सपेक्ट्स नो रिटर्न, जो ये नहीं चाह रहे कि हमें इसके बदले में कुछ मिले। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।